खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। भारतीय दलित पैंथर कानपुर नगर इकाई के तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल कंपनी बाग चौराहे नवाबगंज से डॉक्टर अम्बेडकर हम चेतना वाहन जुलूस रैली का आयोजन किया गया। अम्बेडकर चेतना रैली में चार पहिया तीन पहिया वाहन व सैकड़ों की संख्या में दो पहिया वाहनों के साथ अम्बेडकर अनुयायियों ने शिरकत करी। अम्बेडकर धाम चेतना वाहन रैली कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज से प्रारंभ होकर आर्यनगर चौराहा स्वरूप नगर मोती झील ईदगाह बकर मंडी अम्बेडकर प्रतिमा स्थल फूलबाग में समाप्त हुई। रैली जुलूस समाप्त होने के उपरांत कार्यक्रम के संयोजक एवं भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनी राम बोध ने आए हुए जन समूह को संबोधित करते हुए बताया कि विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी कृषि मंडी समिति पुखराया कानपुर देहात में 31वें विशाल बोध धम्म दीक्षा समारोह एवं अम्बेडकर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे महान सम्राट महामानव रावण सम्राट अशोक दत्ता गत गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी व लगभग 10,000 लोगों को हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाएगी। भारतीय दलित पैंथर के प्रांत सचिव एडवोकेट विजय सागर ने बताया कि अम्बेडकर मेले में पल्लवी पटेल विशेष अतिथि निर्देश सिंह व अधिष्ठा सूत शिवर शंकर सिंह यादव एवं अन्य विशिष्ट गणमान अतिथि गण विभिन्न प्रदेशों व जनपदों से कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। कृषि मंडी समिति पुखराया कानपुर देहात में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 20,000 लोगों को शिरकत करने की संभावना है। इसके अलावा रात्रि में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धाम चेतना रैली में प्रमुख रूप से प्रेमी जी बोस सैयद तौफीक अहमद पास्टर जितेंद्र सिंह अशोक गौतम वैज्ञानिक ई कोमल सिंह पंकज जायसवाल डॉक्टर संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। हम बाबा साहब ने जो कहा था कि भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोग 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 12 अक्टूबर को पोखराए की धरती पर लेंगे और हमारी मिशन है कि भारत में बौद्धमय बनाने का संकल्प है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की जा रही है उसके पीछे एक मंशा है कि आगे घड़ा और पीछे झाड़ू बांधी जाए, इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ भारत।